दोस्तों आईपीएल 2024 बिल्कुल भी हमें नॉर्मल आईपीएल की तरह नजर नहीं आ रहा है। इस सीजन हमने काफी कुछ देख लिया मात्र एक वीक में। सबसे पहले तो आईपीएल के शुरू होने से पहले हमने आरसीबी टीम को चैंपियन बनते हुए देखा। जो टीम पिछले 16 सालों से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही हो उस टीम को 2024 की स्टार्टिंग में ही एक WPL का ट्रॉफी मिल गया। उस फ्रेंचाइजी को मिला जो पिछले 16 सालों से ट्रॉफी के लिए इंतजार करती रही। यहां तक कि आईपीएल में हमने एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड भी देख लिया। आईपीएल में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 2013 में 263 रनों का स्कोर पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। हमने आईपीएल 2024 में उस स्कोर को भी टूटते हुए देख लिया। यहां तक कि एक मैच में 38 छक्के लगते हुए देख लिया, 70 बाउंड्री लगते हुए देख लिया। और जो सबसे अचंभित करने वाली जो बात रही इस सीजन वो रही रियान पराग की कंसिस्टेंसी। हम रियान पराग के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रियान पराग ने अपने करियर में अपने आईपीएल करियर के जितने रन बनाए हैं उसके आधे तो इन्होंने बस आईपीएल 2024 के शुरुआती दो मैच में ही बना लिए हैं। पहले मैच में 43 रनों की पारी और दूसरे मैच में लगभग 84 रनों की पारी। ये साबित करती है कि आईपीएल 2024 बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपको याद होगा कि रियान पराग को एक समय काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा साल 2023, साल 2022 और साल 2021 जब रियान पराग को राजस्थान की टीम लगातार अपनी टीम में बनाए हुए थी और उन्हें लगातार मौके भी मिल रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस को देखने के बाद क्रिकेट के फैंस उनको काफी ट्रोल कर रहे थे। यहां तक कि रियान पराग ने भी ट्वीट करके एक बार बताया था कि वो एक ओवर में 4 छक्के लगा सकते हैं, ऐसा उनको फील होता है, जिसके बाद फैंस उनको जमकर ट्रोल किए थे। लेकिन इस बार रियान पराग कुछ अलग ही मूड में हमें नजर आ रहे हैं। उनका अगर लास्ट 11 T20 इनिंग्स देखा जाए तो उसमें उन्होंने 950 जड़े हैं। अब समझ लीजिए कि रियान पराग 2024 में कितने कंसिस्टेंट हैं। आज आईपीएल 2024 का नवा मुकाबला खेला गया जो कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। इस मुकाबले में रियान पराग की पारी के बदौलत राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स को हराने में कामयाब रहे। इस मैच में रियान पराग ने 84 रनों की पारी खेली मात्र 45 गेंदों में और उन्होंने इस मैच में 7 चौके और 6 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट इस मैच में 186 से ऊपर का रहा। अब समझ लीजिए कि रियान पराग ने आज कैसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। रियान पराग ने आज एड्रिक नोकिया जो कि 150 के स्पीड से गेंदबाजी करते हैं उनको आज एक ओवर में 25 रन ठोक दिए। रियान पराग ने राजस्थान की पारी के 20वें ओवर में एड्रिक नोकिया को 25 रन मारे। वहीं अगर हम इस मैच के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो इस मैच के टॉप परफॉर्मर रहे रियान पराग, जिन्होंने आज 45 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली, जिनकी बदौलत राजस्थान का स्कोर 185 रनों तक पहुंचा। राजस्थान की तरफ से रियान पराग ने 84 रन, अश्विन ने 29 रन और ध्रुव जिरेल ने 20 रन बनाए और ये तीनों आज राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्लेबाजी में टॉप परफॉर्मर रहे। वहीं अगर आज हम दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो सभी गेंदबाजों को आज एक एक विकेट मिला। खलील अहमद ने आज 4 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट अपने नाम किए। उमेश कुमार को 4 ओवर में 49 रन पड़े और उनको एक विकेट मिला। वहीं नोकिया को आज 4 ओवर में 48 रन पड़े और उनको एक विकेट मिला। अक्षर पटेल को भी आज एक विकेट मिला और सबसे किफायती गेंदबाज है, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 21 रन दिया। वहीं कुलदीप यादव को आज 4 ओवर में 41 रन पड़े और उनको भी एक विकेट मिला। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो डेविड वॉर्नर के नाम 49 रन, मिचेल मार्श के नाम 23 रन, ऋषभ पंत के नाम 28 रन और ट्रिस्टन स्टब्स जो कि आज सबसे तेज खेलते हुए नजर आए उनके नाम 44 रन रहा। वहीं राजस्थान की गेंदबाजों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट के नाम आज एक विकेट भी नहीं रहा, उन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए। बर्गर के नाम 3 ओवर में 29 रन रहे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किया। अश्विन के नाम एक विकेट भी नहीं रहा, उन्होंने 30 ओवर में 30 रन दिए। आवेश खान को आज एक विकेट मिला, उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए। युजवेंद्र चहल के नाम आज 2 विकेट रहा, उन्होंने राजस्थान की तरफ से किफायती गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम करा। संदीप शर्मा ने आज 4 ओवर में 36 रन दिए जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच को 12 रनों से जीतने में कामयाब रही। दोस्तों आप राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में से किस टीम को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।